वेलकम टू विकास क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको केमिकल रिएक्शन बताया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, जिसमें से हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और यानी संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने आपको कल बताया था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक एक जो होता है मेटल, एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। आज हम आपको बताएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। तो इस पर बात करेंगे, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का अदला बदला करते हैं, ठीक है, आयनों को एक्सचेंज कर देती हैं और उससे जो नया उत्पाद बनता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज दियर आयंस एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या सिंगल प्रोडक्ट बनता था, जब हमने आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था, जिसमें से क्या होता है एक ही मेटल दूसरे मेटल यानी एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है और अपनी जगह ले लेता है। इसमें आप बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक अपने आयनों को अदला बदला करती हैं। लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपनी आयनों यानी जो चार्ज पार्टिकल होती हैं उन्हें आयंस बोलती हैं, आयनों का अदला बदला कर दो नए उत्पाद बनाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश वालों के लिए लिखेंगे दोज रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज दियर आयंस एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों को अदला बदला कर दो नए उत्पाद बनाते हैं उसे ही बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसके एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया HCl और NaOH, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसके आयंस इसको अगर पानी में घोलेंगे तो ये H+ आयंस और Cl- आयन में टूट जाएगा, इसको पानी में घोलेंगे तो Na+ आयन OH- आयन। हम्लीय मालूम है कि किसी भी अम्ल या क्षार को पानी में घोलने पर वो क्या आयनित हो जाती हैं, क्योंकि पानी जो होता है सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, यानी पानी जो होता है वो यानी उसका वैद्युत ध्रुव सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक पोलर लिक्विड होता है जो दो प्रकार के आयंस में तोड़ देता है, तो H+ आयन और Cl- आयन में टूट गया, Na+ आयन OH- आयन में टूट गया। अब इस आयनों का अदला बदला करेंगे, यानी NaCl के साथ जुड़ जाएगा और HO के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा NaCl+H2O। इस तरह से यानी आयंस का अदला बदला हुआ और दो नए प्रोडक्ट बन गए, दो नए उत्पाद बन गए, तो इसे ही बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी जिसे साधारण नमक बोलते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, Ag1+ और NO3 1-, और इसमें Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, NaNO3 के जुड़ जाएगा Ag और Cl के साथ जुड़ जाएगा, लिखेंगे AgCl+NaNO3, तो इस तरह से दो उत्पाद इसमें बन गए, तो इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आप बात करते हैं कि कैसे रिएक्शन को पहचानेंगे कि ये कौन किस प्रकार की रिएक्शन है। अब बात करते हैं, ये कुछ रिएक्शन लिखी हुई हैं, इनमें से पहचानेंगे कि
किस प्रकार की कौन सी रिएक्शन है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, और इनके अब बनाते हैं इनकी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। देखिए जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। पहले हम जो प्रोडक्ट बनता है उसको बना लेते हैं, फिर इसके बाद बैलेंस करते हैं। बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, KCl। देखिए यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K1 है, तो इसको बैलेंस करेंगे, यानी यहाँ पे 2K लिख देंगे तो देखिए बैलेंस हो गया। और जैसे जिंक, अब ये देखिए किस प्रकार की रिएक्शन है, BaCl2 प्लस K2SO4, इसमें क्या हुआ, ये देखिए एक आयनिक कंपाउंड है Ba डबल प्लस और Cl सिंगल माइनस, और यहाँ K डबल प्लस और SO4 डबल माइनस हो जाएगा, तो यहाँ BaSO4, तो BaSO4 के साथ जुड़ गया और ये KCl के साथ जुड़ गया, तो इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, ये बनेगा ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो प्रोडक्ट में टूट गया, यानी एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटना ही क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया इसे बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन फार्मूला H2 और क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2, बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ दो लिख देंगे, तो एक नया कंपाउंड 2HCl बन जाएगा। तो देखिए यहाँ दो या दो से, हमने आपको बताया था दो या दो से ज़्यादा अगर उत्पाद बन मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, एकल प्रोडक्ट देते हैं, एकल उत्पाद देते हैं, तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब ये देखिए ये मैग्नीशियम फॉर्मूला होता है Mg सिंबल होता है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl, और ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये आपको देखिए फार्मूला हम आपको बता चुके हैं कैसे फार्मूला बनता है, Mg 2 प्लस होती है, Cl 1 माइनस होता है, तो हम क्या कहते हैं आए, यानी जो Mg 2 प्लस थे तो यहाँ 2 लिख देते हैं, इसका 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, इस तरह से हमने आपको बताया था, जो आप प्ले लिस्ट में इसको देख सकते हैं। प्लस और हाइड्रोजन गैस H2 निकल जाएगी, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, देखिए 2H2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, अब ये बैलेंस हो गए। तो इसे यानी इसमें क्या हुआ, MgCl2 यानी ये Mg ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो इसका मतलब Mg ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया और अपनी हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो इसे एक ही तत्व ने इसकी जगह ली है, तो इसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, या सिंपली हम विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, जिसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, लिखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है उपचयन और रिडक्शन में होता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड उपचयन अभिक्रिया, बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीडेशन उपचयन
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन कहते हैं। ये किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। हम लिखेंगे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे मान लिया जाए कोई एटम, मान लिया जाए एक्स है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तब क्या बन जाएगा, एक्स ओ टू। हमने अपने में से कोई मान लिया, कोई एक्स एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो एक्स ओ टू बन जाएगा इस प्रकार से। या दूसरा बात कर सकती हैं, अगर जो किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता, सॉरी उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, सॉरी उपचयन। हाँ ऑक्सीडेशन सही है। जैसे कोई एलिमेंट एक्स है, उसमें से जैसे यक्स और यच है, उसमें से हमने क्या किया, यक्स अलग कर दिया, साथ साथ ये हाफ एच टू ओ एच टू अलग कर दिया, क्योंकि सिंगल एच अलग नहीं हो सकता है इस तरह से। तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी उपचयन कहलाता है। अब बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन अपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण रिडक्शन कहलाता है। तो लिखेंगे किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना उपचयन, ये अपचयन था। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, या लिख सकते हैं या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। जैसे कोई प्रोडक्ट मान लिया, कोई एलिमेंट मान लिया ए, एक सब्सटेंस ए है, उसमें उसमें जैसे कि अगर एच टू ओ की रिएक्शन, हाफ एच टू ओ एच टू की रिएक्शन करवाई जाए तो ये ए एच बन जाएगा। जैसे कोई सब्सटेंस मान लिया ए है, उसमें से ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाए तो ये बनेगा ए ओ टू। सॉरी यहाँ पे किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, जैसे मान लिया जाए ओ टू था, ए ओ टू, तो ये बन जाएगा, ए अलग हो जाएगा साथ में ओ टू अलग हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का अलग होना ऑक्सीडेशन का रिडक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं कि अपचायक और उपचायक क्या होता है। अपचायक और उपचायक का बात करते हैं। तो अगर जो रिड्यूजिंग एजेंट बोलेंगे, रिड्यूजिंग एजेंट से पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे उपचायक। उपचायक क्या होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है उसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी उपचायक बोलते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस पदार्थ का उपचयन होता है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, यानी उपचायक कहलाता है, उपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे, जिस पदार्थ का उपचयन अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक कहा जाता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक कहा जाता है। द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे कोई एग्जांपल लेती हैं, पहले से अब रिड्यूसिंग एजेंट, अब ये जैसे कि अभी हमने बात की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, हम इसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। अपचायक क्या होता है? जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे अपचायक कहा जाता है। द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन। जिस पदार्थ का उपचयन होता है, अपचायक कहलाता है। द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे Cu+H2 चेंजेस टू Cu+H2O। इसमें देखिए, अभी इससे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या होता है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए CuO और यहाँ Cu हो गया, यहाँ CuO से Cu हो गया, यानी क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखिए हट गया, पहले CuO था, ओ से CuO से ओ हटा, यानी Cu बन गया। तो यानी लिखेंगे ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का हटना। अच्छा, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना है, रिडक्शन कहलाता है। यानी ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन यानी अपचायक अपचयन हो गया यहाँ। अब यहाँ पे देखिए H2 था, H2 से क्या बन गया? H2O। यानी देखिए H2 था, O जुड़ गया, तो यानी इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन किसका हुआ यानी अपचयन किसका हुआ? CuO का। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ यानी उपचयन किसका हुआ? ये देखिए CuO का किसका हुआ? H2 का हुआ अपचयन, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया और CuO से ऑक्सीजन हट गया। तो यहाँ पे CuO का हो गया रिडक्शन यानी अपचयन हो गया। तो जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी इसे बोलेंगे उपचायक, और जो जिसका उपचयन ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट उल्टा बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिसका अपचयन होता है उसे उपचायक बोलते हैं, जिसका उपचयन होता है उसे अपचायक बोलते हैं। अब बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।